संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था, ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। जिला शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी राजेश कुमार सुजानपुर पहुंचे और उन्होंने डोर टू डोर जाकर अभिभावकों से बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले दिलवाने की अपील की। सर, एजुकेशन मिनिस्टर दे कहे मुताबिक असी स्कूल दे लई एनरोलमेंट कैंपेन चलाई हुई है, ते मैं अपने स्टाफ नूं लैके, मैं सुरिंदर ठाकुर इंचार्ज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर, अपने स्टाफ नूं नाल लैके, बच्चों नूं नाल लैके असी डोर टू डोर कैंपेन चलाई हुई है। साढ़े नाल साढ़े डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री राजेश जी भी नाल सीगे, वो थोड़ी मीटिंग होने करके उन्होंने जाने पिया और डोर टू डोर काफ़ी उन्होंने मतलब डेढ़ दो घंटे साढ़े नाल रहे हैं। तो असी पेरेंट्स नू बच्चों नू दस रहे हैं सरकारी स्कूलों का माहौल कि सरकारी स्कूल दे विच तुसी आओ, उत्थे एडमिशन लो, कि जिन्नियां भी फैसिलिटीज़ हैं उहदे बारे दस रहे हैं। और साडे स्कूल दे विच हर स्ट्रीम है, जिवें साइंस, मैडिकल, नॉन मैडिकल, कमर्स, वोकेशनल, फिर वोकेशनल दे साडे कोल इलैक्ट्रॉनिक, गारमेंट मेकिंग है जिहदे विच गर्ल्स भी आ सकदियां ने और पढ़ रहियां ने साडे स्कूल दे विच, ते कमर्स दे विच भी गर्ल्स हैं, बेशक साडा बॉय स्कूल है पर गर्ल्स साडे स्कूल दे विच हैं। असी पेरेंट्स नूं यही बेनती करदे हां, एक बार विजिट करो और सरकारी स्कूल दा जो लोगों के मन में है कि सरकारी स्कूल वधिया पढ़ाई नहीं होंदी जां इस तरह का, वो सारे वहम अपने जड़े आ वो तुहाडे खत्म हो सकते हैं। एक बार बेनती है कि जरूर साडे स्कूल दे विच विजिट कर। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था, ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार, राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरी शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा, कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्र उच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।